हमारे यहाँ पे आज से नहीं सर 1922 में जब कस्तूरबा जी आई थी उनके कहे अनुसार लोगों ने परिवार नियोजन उसी समय से अपना लिया था। इस शासन के कुछ कार्यक्रम चले उन्हीं के माध्यम से फिर और जागरूकता आई, तब से लोगों ने कई लोगों ने एक बच्चे पे, किसी ने दो बच्चे पे परिवार नियोजन, और कई लोगों ने अपने खुद के खर्चों पे अपनाया है। कस्तूरबा जी आई थी 1922 में, तब से हमारे गांव वालों ने परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया। इसके पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। जब से आदिवासी हुआ था तब से इस गांव की जनसंख्या स्थिर है, और इस गांव में बालक और बालिका को भी एक ही सम्मान से एक बालिका रहे तब भी ऑपरेशन करवा लेते लोग, या फिर भी ऑपरेशन होते, एक और दो पे ही ऑपरेशन होते जा रहे इस गांव। जब से सर देख रहा हूँ तब से इस गांव की जनसंख्या स्थिर है। सोलह अप्रैल 1922 को यहाँ प्रांतीय महाकौशल द्वितीय अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन नागपुर में हुआ था, द्वितीय धनोरा में, तृतीय जबलपुर में। तब से इस गांव को कांग्रेस धनोरा के नाम से जाना जाता है, परंतु यहाँ की जनसंख्या 1428 थी। तो 1428 के आधार पे आप देखो, सन 41 या 42 की जनगणना में 1428 थी। आज भी जनगणना के आधार पे देखो तो 1800-1900 करीबन यहाँ की आबादी, क्योंकि यहाँ के किसानों ने ऑपरेशन अपने मूलभूत अपने खर्चे किए हैं, और एक बच्चे के ऊपर है ऑपरेशन भी। जब से मेरे को समझता है तब से यहाँ एक बेटा और एक बेटी पे भी लोग अपने पैसों पे ऑपरेशन कर रहे हैं, और कोई भेदभाव नहीं देखते कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो बेटे का इंतजार नहीं करते कोई कि बेटा होगा तब ऑपरेशन करेंगे, या बेटी बेटी को भी वही दर्जा दिया जाता है जो बेटे को मिलता है। और आज गांव में वही सभी दूर कहीं एक बेटा कहीं दो बेटियां उन पे ऑपरेशन कर लेते हैं, और अपने पैसों से खुद के पैसों से करते हैं। हमारे गांव में बस दो लड़के, एक लड़की एक लड़का हुआ कि ऑपरेशन कर लेते हैं, या दो लड़कियां भी रही तो ऑपरेशन कर लेते हैं। आपने के हमारी भी दो लड़कियों ने भी ऑपरेशन कर लिया। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं, हम दो लड़कियों में ही खुशी, छोटा परिवार सुखी परिवार।